हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी कांग्रेस में हुई शामिल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और चौधरी उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस की ज्वाइन। पंजाबी खत्री समाज की बड़ी नेता है रोहिता रेवड़ी। लोकसभा करनाल में कांग्रेस को होगा बड़ा फायदा। बीजेपी के हाथ से बड़ा वोट खिसकना तय। लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की। रोहिता 1.5 साल में कांग्रेस के पाले में आ चुके हैं। भाजपा का साथ छोड़कर 40 से ज्यादा सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक। कांग्रेस के कौन स्टार रहेंगे? है हमारे आएंगे करम, राहुल जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, और भी नेता आएंगे, और भी नेता आएंगे। शेड्यूल अभी बन जाएगा जब बता देंगे आप। ठीक है, ठीक है। पानीपत में ये पानीपत से विधायक रही हैं रेवड़ी, रीता रेवड़ी जी, और बहुत अच्छा इनका वो कार्यकाल रहा है। यहाँ पत्रकार बैठे हैं आपके माध्यम से, सबसे पहले तो मैं माननीय हुड्डा जी का, उदयभान जी का धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने मुझे अपने इस परिवार में, अपनी इस टीम में शामिल किया है। और इस बदलाव का मुख्य कारण मान सम्मान की लड़ाई थी। मान सम्मान सिर्फ एक विधायक का नहीं, मान सम्मान एक कार्यकर्ता का, वो मान सम्मान आदमी चाहिए था। तो जो आप कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन उन्होंने रखी है, कंडीशन जरूर रखी है, मान सम्मान की कंडीशन रखी है मैंने माननीय हुड्डा जी के सामने, उदयभान जी के सामने, कि आप अपने इस कार्यकर्ता का, अपने परिवार के सदस्य का मान सम्मान जरूर। तो रोहिता जी, क्योंकि आप बीजेपी के साथ जुड़ी रहे, अब ये सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, ऐसे में क्या वजह रही कि आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़ा? यार एक सवाल हो तो मुख्यमंत्री भी कमाल रही है, तो सवाल जवाब दीजिए, एक सवाल को बार बार पूछ रहे हैं क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में मैं उनकी किसी भी कार्य में शामिल नहीं थी। उसका मुख्य कारण यही था कि उन्होंने मान सम्मान नहीं दिया, उन्होंने कार्यकर्ता की पूछ नहीं है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसी दबी जबान हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अंदर बैठे हैं। आज मैं बोल चुकी हूँ, यहाँ आ चुकी हूँ, इसलिए आपके सामने। रोहिता जी, बीजेपी की हरियाणा में भी सरकार है, सेंटर में भी सरकार है, और 400 के दावे किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इनमें दम है? क्योंकि आप छोड़ के आए, जिन नीतियों और जिस मैं कहूंगी कि जिस विश्वास के साथ मैं उस पार्टी के साथ जुड़ी थी, आज मुझे वो कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। वो जात पात की राजनीति और वो सब जो की मेरी मेरा नेचर नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, तो मैं सभी को साथ लेके चलने में विश्वास रखती हूँ। सर, आप रोहिता रेवड़ी जी शामिल हुई है पार्टी को, कितनी मजबूती मिलेगी? ऐसा है, इनके आने से पार्टी को अच्छी मजबूती मिलेगी, क्योंकि पानीपत में इनका बड़ा वो है, आधार है, और विधायक रही हैं वहाँ से, पानीपत की आवाज उठाती रही हैं, तो पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। अभी चुनाव के वक्त शामिल हो रहे हैं कि किसी तरह की कोई डिमांड रखी गई या वैसे? नहीं, कंडीशन कोई नहीं है। आज जब संघर्ष के समय में इस समय हमारा साथ दे रही है हमारी बहन जी रोहिता रेवड़ी जी, हमारे साथ विधायक रही हैं और बहुत सशक्त आवाज है पानीपत की, मेयर भी रही हैं, तो इनका पूरा जनाधार है वहाँ, तो हमें निश्चित तौर से पार्टी को बहुत बड़ी लाभ मिलेगी। और ये इस बात का भी संकेत है कि पूरी तरह से हरियाणा में कांग्रेस की जबरदस्त हवा चल रही है, इनको पार्टी में पूरा मान सम्मान और स्थान मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में इनका कद के अनुरूप पूरी तरह से इनको मान सम्मान। रोहिता जी, ये जल्दी करो, हम जाना है यार। है नेताओं में और कितने नेता, बड़े नेता, जैसा जैसा होगा बता देंगे आपको, सारी बात तेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन और ज्वाइन करेंगे, बता देंगे। कल भी जो परसों कैलाश सैनी ने किया, अजीत सिंह खाद्यान ने किया, जो विधायक रहे फेरी से, इस तरह जिन्हें रोहिता जी ने किया है, जो करेंगे आ जाएंगे। अभी जैसे धोबी समाज के अध्यक्ष अपने पूरे उसके वो है, इस प्रकार से और भी आए हुए हैं, जो करेंगे। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद कितना बदलाव नजर आ रहा है आपको, क्योंकि शुरू में दिया था कि शायद एक दो सीट पे कांग्रेस मजबूत है? देखो, मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ, जिस प्रकार से कांग्रेस का को जन समर्थन मिल रहा है, मैं लगता है
कांग्रेस के पक्ष में लहर है हरियाणा में। जब लहर चलती है ना किसी पार्टी की तो क्लीन स्वीप होता है। लहर की वजह क्या? क्योंकि इससे मौजूदा सरकार से विमुख है लोग, हर वर्ग, कोई ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, प्रदेश को बिल्कुल ऐसा कर दिया जो प्रति व्यक्ति आए निवेश हर चीज में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में नंबर एक है, आज कानून व्यवस्था अपराध में मतलब उसमें पहुंच गया है, हर आदमी हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और कोई विकास का कार्य नहीं किया इन्होंने। एक इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई, एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया, दूसरा एक यूनिट बिजली की नहीं बनाई। बिजली का संकट में आया था रात को मॉल्टाउन, बिजली गायब थी, रोज बिजली गायब होती है, ये तो जबकि 2014 में सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे। तो हर उस पे ये सरकार विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, लोग ऊब चुके हैं इससे और बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस पर हमला हुआ है, क्या गुमराह कर रही है लोगों को? कौन कौन कह रहा है, कौन नेता, नाम बताना, नाम बताना। वो तो गुमराह तो लोग बता देंगे ना, गुमराह तो बीजेपी कर रहे हैं, किया कुछ नहीं, इस बात का एक उपलब्धि भी नहीं बता सकते हम। 18 तारीख को देखिए मैं पहले कह चुका हूँ और बार बार कह चुका हूँ कि जो ये इस किस्म का है, मैं इस किस्म की राजनीति कभी हितैषी नहीं रहा हूँ। गांव में आने से किसी को नहीं रोकना चाहिए, अगर रोकना है तो लोकसभा और विधानसभा में जाने से रोकना चाहिए, वोट के मत। सर 18 तारीख को ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।